हेलो एवरीवन, माय नेम इज गिनी। यू आर वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडीगार एक्सेसरीज, करमपुरा, न्यू दिल्ली। आज की वीडियो में आपको फ्रॉन्क्स के अंदर मॉडिफिकेशन दिखाएंगे, जो एक्चुअली में मॉडिफिकेशन होती है। चार मारुति की एक्सेसरीज को लेकर मैं चिपका दूं, उसको मॉडिफिकेशन नहीं बोला जाता है। लुधियाना पंजाब से दिल्ली स्पेशली फ्रॉन्क्स आई हुई है, जो कस्टमर हैं स्पेशली आए हुए हैं अपनी गाड़ी में काम कराने के लिए। अब अगर वो इतनी दूर से आए हैं तो उनको कोई तो वजह रही होगी, वर्कमैनशिप, वो प्रोडक्ट्स, वो क्वालिटी, वो फिटमेंट, कहीं तो मैटर करती होगी कि वो इतनी दूर से फ्रॉन्क्स का काम कराने इधर चले आए। अदरवाइज ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉन्क्स का काम कहीं और नहीं हो सकता है। इस कार के अंदर हम बड़ी सारी चीजें कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो सेटअप टिल डेट आपको दिखाऊंगा। हाँ, आज की डेट के बाद शायद इससे अच्छे हम और भी कर देंगे, बट अभी तक का ये सबसे अच्छा ऑडियो सेटअप रहेगा फ्रॉन्क्स गाड़ी के अंदर। हम लोग ऑडिसन का ऑडियो सेटअप कर रहे हैं, ऑडिसन के ही एम्पलीफायर्स लगा रहे हैं, स्टेपनी में सब वूफर लगा रहे हैं, वो सब मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा। बट कुछ एक कलाकारी भी कर रहे हैं इसके अंदर। हम लोग इसकी फ्रंट ग्रिल को मॉडिफाई कर रहे हैं। बेसिकली डेल्टा मॉडल है, स्टीरियो ऑलरेडी कंपनी से लगा हुआ आया था। इसकी फ्रंट की ग्रिल को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग इंटीरियर स्टाइलिंग किट लगा रहे हैं, सीट्स कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, डोर पैनल्स मैचिंग कर रहे हैं। अभी सारी गाड़ी का काम चल रहा है। मैं एक बार काम कैसे चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, और गाड़ी का काम खत्म होने के बाद भी आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी की पूरी ओवरलुक किस तरीके से निकल कर आ रही है। बड़ा ही हॉट टॉपिक रहेगा आज का। यहां तक वीडियो देखिए, पूरी जरूर देखना, बिकॉज काम होते हुए, काम होने के बाद कार कैसे लग रही है वो देखकर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मजा आ जाएगा। सो यहां पर आपको भी दिखा रहे हैं सारी कार खुली हुई। इसकी हम लोग ने फ्रंट ग्रिल भी खोली हुई है, अभी हम फ्रंट का बंपर भी खोलेंगे। इसके डोर्स भी सारे खुले हुए हैं, बिकॉज इसके अंदर डैम्पिंग, हाई एंड ऑडियो वर्क हो रहा है। फ्रंट की ग्रिल के अंदर हम लोग कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, वो आपको होने के बाद आपको दिखाऊंगा कि हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है। तब तक आपको डोर पैनल्स दिखाते हैं। इस कार के अंदर हम लोग ऑडिसन के एपी के 165P लगा रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई एंड कॉम्पोनेंट, और एक बजट रेंज के अंदर आ जाता है, जो एक हर एक बंदा अफोर्ड करके लगवा सकता है अपनी गाड़ी के अंदर। डीडी ऑडियो की टू लेयर डैम्पिंग कर रहे हैं। डीडी ऑडियो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स ऑफ डैम्पिंग। स्पीकर्स अपने आप में एक बड़ा ज़बरदस्त, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी मैग्नेट अपने आप में एक वूफर का काम कर देता है ये, अगर इसको अच्छे तरीके से ट्यून किया गया हो। ट्यूटर्स इसके बड़े अच्छे, बड़े शार्प होते हैं। इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने मारुति की ओरिजिनल जेन्युइन इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी लगा रहे हैं। स्टीयरिंग हम लोग इसका चेंज करके डी कट वाला लगा रहे हैं। इसके अंदर ऑलरेडी बटन वाला स्टीयरिंग आया हुआ था, डेल्टा मॉडल है, बट फिर भी सर को लेदर वाला स्टीयरिंग चाहिए था, इसलिए हमने वो लगाया। 9D फ्लोरिंग हम इसके अंदर कर रहे हैं। ओरिजिनल AC के टॉप मॉडल वाले वेंट्स भी लगा रहे हैं, जो सिल्वर कलर के आते हैं, अदरवाइज इसके अंदर ब्लैक ही लगे हुए थे। आर्मरेस्ट हमने इसके अंदर ओरिजिनल लगाया हुआ है, जो इस मॉडल में लगकर नहीं आता है, इसके ऊपर वाले मॉडल में लगकर आता है, तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हो। मैं आपको फिर बता दूँ, ये डेल्टा मॉडल है। स्टीरियो स्पीकर लगकर आए हुए थे, बट कस्टमर की चॉइस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सब कुछ उतरवा के नया लगवा लिया। आर्मरेस्ट के पीछे रियर USB चार्जर भी लगाया हुआ है। रियर डोर में डैम्पिंग करने के बाद हम लोग ऑडिसन के ही कोएक्सियल स्पीकर लगा रहे हैं, उनको हम लोग ट्यून कर रहे हैं। ऑडिसन के ही SR 4.3 00 एम्पलीफायर आता है, ये बड़ा अच्छा, बड़ा कम्पैक्ट और बड़ा हाई एंड एम्पलीफायर होता है। ये परफेक्टली मैच करता है हमारे स्पीकर्स के साथ, और जो हमारे को स्पीकर से आउटपुट चाहिए ये इजीली हमारे को प्रोवाइड करेगा। ट्यूनिंग बहुत मैटर करती है। सारी वायरिंग्स, एक क्लिप यहाँ पर डाल रहा हूँ कि सारी वायरिंग्स किस तरीके से की जाती हैं, क्या हमारा तरीका है, क्या हमारी फिटमेंट है। 9D फ्लोरिंग करने के बाद, एक एम्पलीफायर लगाने के बाद, और एक चीज़ और मेंशन कर दूं, इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने स्टेपनी सबवूफर भी ऐड ऑन किया हुआ है, जस्ट के जिनकी कार थी उनको एक्स्ट्रा बेस चाहिए थी, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप इतना लाउड सेटअप पे जाते हो तो मिसिंग बेस आपको सबवूफर ही दे सकता है, एक लो सबवूफर दे सकता है। माय नेम इज गिनी, यू आर वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडीगार एक्सेसरीज, करमपुरा, न्यू दिल्ली, एंड वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रॉन्क्स अभी कंप्लीट हो चुकी है, टाइम तकरीबन 10 बजने वाले हैं। सिंगल डे में पूरी कार को रेडी किया हुआ है। पंजाब से कार आई हुई है, तो इसका मतलब अच्छा ही काम कराने आई हुई है। ये अभी तक की फ्रॉन्क्स की बेस्ट मॉडिफिकेशन रहेगी टिल डेट। हाँ, इसके बाद मैं या कोई और इससे अच्छी कर दे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। इस गाड़ी के अंदर हर एक चीज़ लगी हुई है, हर एक चीज़ का मतलब जो आपकी कार को एक एस्थेटिक लुक दे, एक डिसेंट लुक दे, एक एलिगेंट लुक दे। कोई भी गॉडीनेस, कोई भी हॉच पॉच हमने इस कार में किया ही नहीं हुआ है। नेसेसिटीज़ पूरी की हुई हैं, प्लस मॉडिफिकेशन भी की हुई है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, इस कार की फ्रंट जो ग्रिल है वो नॉर्मल डल कलर की आती है, उसको हम लोगों ने हाइड्रो डिप किया हुआ है इन अ पियानो ब्लैक कलर, जो इसको पूरी की पूरी एक प्रीमियम लुक दे देती है। 101% रिकमेंडेशन है, आप ये चीज़ कराओ ही कराओ। वैसे तो इस प्रोसेस में टाइम बड़ा लगता, बट क्योंकि दूर से कार आई हुई थी, सेम डे में करनी थी, इसलिए करा के दी है। प्लस बम्पर पे हम लोगों ने इसकी एक्सटीरियर स्टाइलिंग किट लगाई हुई है, ये मारुति की ओरिजिनल एक्सटीरियर स्टाइलिंग किट होती है।
बड़ी ट्रिकी है लगाने में, मतलब लेकिन लगने के बाद रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। मैग्मा ग्रे विद द रेड कलर के एक्सेंट के साथ हमारे को देखने के लिए मिल जाती है। प्रॉपर फिट फिनिश इसकी आपको मिलेगी, कोई गैप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चिपका चिपकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत ट्रिक है लगाने के लिए, अगर अच्छे तरीके से नहीं लगी तो बेकार है इसको लगाना ही मत, जिसको नहीं लगानी आती तो नेक्सा से लगवा लेना चाहिए। साइड प्रोफाइल के अंदर अगर मैं आ जाता हूँ, जो आपकी कह रहा था अलॉय व्हील्स अपने आप बढ़िया लगने ही हैं। एक डोर वाइजर ऑलरेडी कंपनी से लगे हुए थे, जैसे हमने फ्रंट में स्कर्टिंग लगाई है, बेसिकली सेट ऑफ फोर आता है मारुति का ओरिजिनल, 7000 कुछ रुपए MRP है। साइड में भी स्कर्ट लगाई हुई जो आपकी एक्सटीरियर की प्रोफाइल को और बहुत बढ़िया कर देती है। एक रिकमेंडेड एक्सेसरीज है, अगर आप लगवाना चाहो तो जरूर लगवाओ। हमने ओरिजिनल फिटमेंट पर ही कैमरा लगाया हुआ है, ब्लॉपंग का DH04। एक रियर की रेड जो स्कर्टिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ये भी मैग्मा ग्रे विद द रेड स्कर्ट्स के साथ ही मिलती है। इसकी भी फिटमेंट आपको पूरी प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी, ये लॉक टू लॉक लगी हुई है। डेल्टा मॉडल है, ऑडियो अपग्रेड इतना बढ़िया आता नहीं है, बेसिक 4 स्पीकर मारुति के, वही सदियों पुराने। अगर 20 साल पुरानी गाड़ी खरीदी थी तो वो भी वही स्पीकर थे, आज भी वही स्पीकर है, कोई चेंज है ही नहीं है। इस कार के अंदर अच्छा ऑडियो अपग्रेड किया हुआ, अच्छा मतलब बहुत अच्छा ऑडियो अपग्रेड किया हुआ है। ऑडिसन का द APK 165P 345 वॉट्स का 100 वॉट का कंपोनेंट आता है, जिसमें डबल क्रॉसओवर आता है। ट्विटर्स को अलग अलग डेसिबल्स पे सेट कर सको, ये भी ऑप्शन मिलता है, और अपने आप में ये वूफर का काम कर देता है। बड़ी अच्छी क्लैरिटी, बड़ी अच्छी लाउडनेस है। वूफर का काम मतलब वूफर का काम नहीं करते तो हाँ ठीक है, मिड बेस बड़ी अच्छी दे देता है। पूरी कार को डैम्पिंग किया हुआ है डॉक्टर DD ऑडियो की डैम्पिंग से। रियर में ऑडिसन के ही कोएक्सियल लगाए हैं 210 वॉट्स के। इसको ड्राइव कर रहा है हमारा ऑडिसन का ही SR4.300 जो 520 वॉट का एम्पलीफायर होता है। बड़ा छोटा कम्पैक्ट, बड़ा पावरफुल, छोटी चीज बड़ा धमाका होती है ना, वो एम्पलीफायर है ये। सब कुछ ब्रांडेड लगा है, नॉट इवन अ सिंगल वायर इज अनब्रांडेड, नॉट मतलब स्टिंगर की वायरिंग यूज की हुई है तो अमेरिकन वायरिंग है, नाम ही अलग है। बेस का काम कर रहा है, जिनकी कार थी उन्होंने बेसिकली अपना सब वूफर लेकर आए हुए थे, ये छोड़ दिया, कहते ये नहीं लगाना क्योंकि जगह लेता है। स्टेपनी सब वूफर लगाया हुआ है, एक ऐसी चीज है जो वूफर का काम करेगी, जगह 1 रुपए की भी नहीं लगी। अभी आपको उसकी फिट एंड फिनिश भी चेक कराएंगे। अब आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर की जरूरत, चीजें इसके अंदर हमने की हुई है, पूरा इंटीरियर भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या किया हुआ। उससे पहले स्टेयरिंग कंट्रोल्स ऑलरेडी लग कर आए थे क्योंकि डेल्टा मॉडल है, बट फिर भी एक ओरिजिनल लेदर की फील चाहिए थी, ओरिजिनल लेदर का टॉप मॉडल का स्टेयरिंग का मजा चाहिए था, इसलिए पूरा स्टेयरिंग रिप्लेस किया हुआ है। सिर्फ 3000 रुपए का खर्चा आया स्टेयरिंग चेंज करने के अंदर। मारुति की ओरिजिनल हमने इंटीरियर स्टाइलिंग किट लगाई हुई है, 7000 रुपए MRP आती है, जिसके अंदर हमारे को कार्बन फाइबर वाले 7 पीसेस मिलते हैं। ये कोई हाइड्रो ड्रिप नहीं है, ये कंपनी से ही नया आता है, जिसके अंदर आपके ब्लोअर्स चेंज हो जाएंगे, पावर विंडोज चेंज हो जाएंगी। जो मेन अट्रैक्शन ऑफ द इंटीरियर है वही आपका सेंटर वाला पीस यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। प्लस जो एक स्टीरियो को पियानो ब्लैक किया हुआ है, ये ओरिजिनल स्टीरियो का ही फ्रेम है, इसको हम लोगों ने पियानो ब्लैक किया हुआ है। प्लस जो AC के वेंट्स हैं उसको हमने चेंज करके सिल्वर वाले लगाए हुए हैं, अदरवाइज इसके अंदर कुछ इस तरीके के ब्लैक वेंट्स आते हैं। तो एक इंटीरियर की प्रोफाइल को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमारे को सीधा सीधा देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि एक ही हमारा इंटीरियर स्टाइलिंग किट सेट ऑफ 7 पीसेज आती है, हमारे को मिल जाती है। प्लस ये एक्सटीरियर का पियानो ब्लैक, जो फ्रेम हमने टॉप मॉडल की तरह इसको पियानो ब्लैक किया हुआ है, ये मैट ब्लैक आता है। प्लस हम लोगों ने जो AC के वेंट्स हैं इसको चेंज करके सिल्वर वाले लगाए हुए, ये भी नॉर्मल मैट ब्लैक कलर के ही आते हैं। मॉडल तो बेसिकली ये टॉप से एक ऊपर, बेस से एक ऊपर वाला है, बट इसके अंदर आर्मरेस्ट भी लगकर नहीं आता, तो हमने इसके अंदर ओरिजिनल मारुति का आर्मरेस्ट लगाया हुआ है। इसमें एक ऑप्शन होता है कि रियर पे हम AC चालू कर दें, बट आज हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पूरे पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। इसके अंदर आप रियर का AC भी चालू करा सकते हो, उसके लिए आपको डैशबोर्ड वगैरह पूरा सब कुछ खोलना पड़ता है। तो अगर इतनी दलेरी और गड्स हैं कि डैशबोर्ड खोलना है तो वो ऑप्शन भी मिल जाएगा हमारे पास। अदरवाइज एक रियर का एक सेंटर का आर्मरेस्ट हमने इसके अंदर लगाया हुआ है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है, गाड़ी कहीं पर भी ली होगी हिंदुस्तान में ये आप जरूर लगाना। सिर्फ 3500 रुपीज का ये आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। प्लस इसके अंदर हम लोग ने रियर का USB चार्जर भी लगाया हुआ है, जो मारुति का ओरिजिनल आता है। इससे पहले इसके अंदर सिर्फ 12 वोल्ट का सॉकेट था, उसको हटाकर फास्ट चार्जिंग और एक नॉर्मल USB चार्जिंग, दोनों ही ये भी मारुति के ओरिजिनल मिल जाते हैं। अभी आ जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, ये बेसिकली न्यू कार है, इसके अंदर कुछ अगर नया ना करा तो बेकार था। इस गाड़ी के अंदर हम लोग ने सीट्स कस्टमाइज की हुई है इन अ वेरी हाई एंड वे, जिसके अंदर हमारी एक्स्ट्रा पैडिंग्स, एक्स्ट्रा कुशनिंग सब कुछ की जाती है। तो एक लुक अगर मैं आपको आपको डिजाइन का दिखाऊंगा, हमने वाइन कलर विद द ब्लैक कलर के अंदर ये सीट डिजाइन की हुई है विद द क्रिस क्रॉस पैटिंग। ये बैठने में भी मजेदार होंगी, मैं बैठ के वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ सो दैट खुद फील कर सकूँ और आगे आपको बयान कर सकूँ कि हाँ वाकई में मजेदार है, आप ये चीज कराओ तो मजा आने ही वाला है अपने आप ही।
इसके अंदर जो पैटर्न है वो हमने क्रिस क्रॉस विद ब्लैक कलर विद द वाइन कलर हमने लिया हुआ है, जो आपके इंटीरियर से मैच करता है। और यस, वाकई में बहुत जबरदस्त चीज है। एक एक हेडरेस्ट की फिनिशिंग भी अगर आपको दिखाऊंगा तो एक सिंगल हेडरेस्ट भी इसका हैंड स्टिच होता है। अगर आप यहाँ पास से देखोगे तो एक एक हेडरेस्ट भी इसका यहाँ पे हैंड स्टिच है, कोई एल्फी, कोई कांटा, कोई जिप कुछ नहीं लगा हुआ है। तो एक अच्छी चीज है, अगर आप टाइम देते हो अपनी गाड़ी को काम कराने के लिए तो ये आप जरूर कराओ। इस काम में बेसिकली 2 दिन का टाइम लगता है, बट 1 दिन के अंदर सारा काम हुआ है। सुबह 12 बजे के आसपास शुरू हुआ था काम, अभी रात को 10 बजने वाले हैं, ये काम सब खत्म हो चुका है। हमने इनर हैंडल्स भी टॉप मॉडल वाले लगाए हुए हैं, प्लस जो इसके डोर पैनल्स है वो भी हम लोगों ने सीट से मैचिंग किए हुए हैं। इसके जो एक इसके डोर पैनल्स हैं बेसिकली बर्गैंडी कलर में आते थे, हम लोगों ने इसके अंदर लेदराइट करके इसको वाइन कलर के साथ मैच किया हुआ है। एक लुक बड़ी एनहांस होकर निकल कर आ रही है यहाँ पर, जो एक डोर पैनल्स विद द प्रॉपर स्टिचिंग, विद द कार्बन फाइबर किट, विद द टॉप मॉडल स्टीयरिंग, विद द पियानो ब्लैक स्टीरियो फ्रेम, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और यस, मैं अभी भी इस बात को बोल सकता हूँ कि अभी तक की फ्रॉन्क्स के लिए एक होता है ना कि मॉनिटरिंग मॉडिफिकेशन रही होगी, जिसको देख के आप अपनी गाड़ी में जो भी कुछ कराना चाहो करा सको, बिकॉज 2-4 आइटमों को चिपका देने से वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई जाती, वो आप नेक्सा में भी करा सकते हो। कोई कारीगरी, कोई कलाकारी की जाए जिससे आपकी गाड़ी में आप पता चले कि हाँ यार ये आपकी गाड़ी चल रही है, उसी को मॉडिफिकेशन की जाती है। और उसके लिए बड़ी मेहनत भी लगती है, रोज़ नई चीज़ें ट्राई करो तभी नए रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा ऑडियो देना, बिकॉज ऑडियो के बिना तो गाड़ी में बैठना ही ऐसा है यार, इतना खर्चा कर दिया, 3 घंटे की ड्राइव पे जाना है और म्यूजिक जो 3 घंटे की ड्राइव 6 घंटे ही हो जाएगी, लेकिन मज़ा आपको फिर भी नहीं आएगा। ये जो सारा काम आपको कैसा लगा होगा ज़रूर बताना, जो पंजाब से आए हुए सर उनसे भी एक रिव्यू लेंगे। सारा दिन हमारे साथ रहे, अपना काम देखा, गाड़ी पूरी खुलते हुए फिर पैक होते हुए देखी, कैसी लगी उनको ये मॉडिफिकेशन या आपको वीडियो, आप हमें ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। एक रिव्यू पंजाबी लवेंगे, थोड़े को लवेंगे, पंजाब लुधियाने तो आए हो, एक हफ्ते साड़ी गल चल रही थी, तुसी हुणे तक दी भावें आप पे यूट्यूब छान लियो, हुणे तक दी सब तो वधिया मॉडिफिकेशन अपनी फ्रॉन्क्स दे अंदर कराई है जिहड़ी इन्नी वधिया होई होणी, एक रिव्यू सारा दिन तुसी साड़े कोल रहे हो, की तुहाडा एक रिजल्ट देख के की रिस्पोंस रहा होगा? मैं सब तुहाडे यूट्यूब ते ही वीडियोज़ देख के तुहाडे कोल आया, और मैनू सीगा भी तुसी अच्छा काम करोगे, ते ओह होया भी है। मैं सवेरे तुहाडे कोल 11 बजे पहुंच गया, ते हुण टाइम देख लो जो भी है, तुसी सारा दिन स्पेंड किया, म्यूजिक साउंड अल्टीमेट लाडी भाजी का। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।